मैं सच बोल रहा हूँ साहब, उन दोनों ने मेरे पूरे पैसे लूट लिए साहब। कहाँ हो तुम शरद? मैं यहीं हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम घर क्यों नहीं आए? वो बस नहीं आ पाया। कुछ पता चला अभी तक? नहीं, कुछ पता नहीं चला है। हरीश जिन दो लड़कों की बात कर रहा था उनमें से एक शरद कपाड़िया था, जो कि पीड़ित प्रतिभा सतकरी की बहू प्रीति का भाई था। सच क्या था और झूठ क्या था, यह बहुत जल्द पता चलने वाला था। इस भयंकर केस का असली मकसद रोशनी में आने जा रहा था, पर उससे पहले हरीश मकवाना की कहानी सुनते हैं। तुमने टैक्सी क्यों रोकी? वो मुझे पेशाब लगी थी जोर से साहब। अरे भाई साहब, दो मिनट रुक सकते हैं क्या? क्यों? पेशाब आ रहा है बहुत तेज, दो मिनट लगेगा बस। ठीक है, देखो किधर साइड में होता है। तो साहब मुझे वहां पे दो मिनट ज्यादा लग गई साहब। इस बीच उन दोनों में से किसी ने मेरे मोबाइल पे फोन कर दिया साहब। ओ भाया, स्लो मोशन में पेशाब कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बस आ गया। अरे आ गया, बस हाथ धो रहा हूँ, हाथ धो के आ रहा हूँ, बस हो गया समझ लो। तुम्हारे कौन से नंबर पे फोन किया था उन लोगों ने? उसी नंबर पे जो मेरी टैक्सी पे लिखा हुआ था साहब, जिसको मैंने बंद करवाया, 444-56-78-75 पे साहब। शायद उन्होंने उसी को देख के फोन किया होगा साहब। फिर साहब मैं बाहर आया, टैक्सी स्टार्ट की और चल दिया साहब। हम लोग झील पे पहुंचने ही वाले थे कि उसके बीच में अचानक कहानी में ट्विस्ट। मेहरा, आई डोंट ट्रस्ट हिम, बट इंटरेस्टिंग। हाँ चलो गाड़ी साइड ले चल। कौन आप लोग? तेरी मौत। रुका, चल अपना बटुआ निकाल और बगल में रख। भाई मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। चल, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, समझा? चल रख, फोन भी रख अपना। अब बाहर निकल, निकल, चल निकल बाहर। अबे निकल, सुन यहां से दूर भाग, समझा? और यहां पर आना तो आके गला काट दूंगा। निकल यहां से, वापस आके हल्ला मचाना तो काट दूंगा। निकल, सुनो। कुछ समझ नहीं आ रहा था के करूं के ना करूं। मैं तो किसी को फोन भी नहीं कर पा रहा था साहब। मेरा मोबाइल ले गए थे वो दोनों। उसके बाद मैं चलने लगा साहब, उन दोनों को गाली देते देते चलने लगा साहब। एक दो किलोमीटर चला होगा तो मुझे लगा शायद उन दोनों ने मेरे नंबर का गलत इस्तेमाल किया होगा, इसलिए मैंने तुरंत वो नंबर बंद करवाया साहब और स्टिकर भी निकाल के फेंक दिया। सबूत मिटाने से जुर्म नहीं मिटता हरीश मकवाना। मेरा एक ही जुर्म है साहब कि मैं डर गया था और आपके पास शिकायत लेके नहीं आया। मेरी मजबूरी थी साहब, अगर मैं आपके पास आता तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता साहब। अगर उस दिन आते तो तुम्हारा एक दिन बर्बाद होता, लेकिन अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तेरी कहानी के इन दोनों चोरों को तो हम ढूंढ ही लेंगे। जब तक हम इन चोरों को ढूंढ नहीं लेते तब तक आप यहां आराम से रहिए, सरकारी मेहमान बनकर। हरीश जब टॉयलेट में था तब उन दोनों में से किसी एक ने हरीश को फोन किया था। जी सर, हरीश के नंबर 444-567-875 पर। एक काम करो, हरीश का नंबर स्कैन करो, पता करो कि 3:15 के करीब उसे किस नंबर से फोन आया था। एक्चुअली उसे कोई फोन आया भी था या नहीं? सर पापा जी खाना तैयार है,
परोस दूं? बेटा, वो प्रीति की सास थी, हमारी समधन। तुम्हें थोड़ी देर के लिए ही सही, प्रीति के ससुराल जाना चाहिए। पापा, मैंने कहा ना, मैं बिजी था इसलिए नहीं जा पाया। वैसे तू बताएगा कि तू कहां और किस काम से गया था? बेटा, हमने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा, कहां कहां नहीं तलाशा, तेरे हर दोस्त से पूछा। क्यों पूछा यार? बता के तो गया था, चार दिन के लिए जा रहा हूँ, लौट आऊंगा जल्दी। लेकिन तू गया कहां था? कोटा गया था अम्मा, क्लास के काम से। आप लोग तो मतलब एकदम पुलिस वालों जैसे पूछताछ कर रहे हो। नहीं बेटा, सिर्फ पूछ रहे हैं। वो तुम्हारा दोस्त है ना, राजन। क्या हुआ उसे? अब उसने क्या कहा? उसने तुम्हें देखा था अभिषेक के साथ घूमते हुए। देखो बेटा, आसपास के लोगों में तुम्हारा अच्छा नाम है, लोग तुम्हारी मेहनत और लगन की मिसाल देंगे। ये अभिषेक के साथ घूमना अच्छा नहीं है बेटा। पापा, मैंने कहा ना, मैं कोटा ही गया था। अब रख भी दे उसे, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ दीदी, बस एक मिनट। बड़ा बिजी रहता है आजकल। बड़ा बिजी रहता है आजकल। अरे नहीं दीदी, वो बस नौकरी की तलाश चल रही है ना, उसमें ही। अच्छा सुन, पापा बता रहे थे कि तूने उन्हें कुछ बताया नहीं, तो कहा जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्या दीदी, पापा की बात छोड़ दो आप, उनका बस चले ना, मुझे जबरदस्ती यहाँ अजमेर में ही किसी दुकान पे बिठा देंगे। कुछ करो तो भी खुश नहीं, कुछ ना करो तो भी खुश नहीं। हरीश मकवाना के फोन पर आखिरी कॉल इस नंबर से आया था सर, 444-879-899। उसके बाद हरीश का फोन स्विच ऑफ हो गया था। हरीश की कहानी के मुताबिक ये नंबर उस आदमी का हो सकता है जिसने उसे फोन किया था। हो सकता है सर। उसके बाद हरीश की कार चोरी हुई होगी, अभी थोड़ी देर बाद मिली होगी। अगर हरीश की कहानी पे यकीन करें तो चोरी होने और मिलने के दरमियान उन दोनों में से किसी एक ने हरीश के फोन से तुषार बनकर फोन किया होगा ओमकार सतकरी को। हेलो, मेरा नाम तुषार है ओमकार जी। मेरा पूरी पॉसिबिलिटी है कि तुषार नाम फेक नाम होगा, लेकिन इस वक्त यही तुषार हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। 99% ऐसे ही लग रहा है सर। सर, उसकी लोकेशन रिपोर्ट देखिए। 5 जनवरी के दोपहर को मर्डर के टाइम, लोकेशन है मनेर नगर, जहाँ प्रतिभा सतकरी का कत्ल हुआ था। किसके नाम रजिस्टर्ड है नंबर? किसी अमित गौड़ के नाम, अजमेर का एड्रेस। हाँ शरू, कैसे चल रहे सब दीदी? बस ठीक ही है समझो, पापा आप धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। बढ़िया। वैसे कुछ पता चला, कुछ प्रोग्रेस हुई पुलिस की तरफ से केस के बारे में? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अच्छा चलो दीदी, मैं रखता हूँ, बाद में फोन करता हूँ। आप ख्याल रखना अपना, ठीक है? ठीक है। छोटी सी दुकान चलाता हूँ, आप लोग क्या बोल रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 444-879-899 ये नंबर तुम्हारे नाम और तुम्हारी दुकान के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। ऐसे कितने सिम कार्ड्स मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है? मैं लेकर रखता हूँ साहब प्रीपेड कार्ड्स, अब किसी को बहुत अर्जेंसी हो तो दे देता हूँ। और इनमें से जितने भी क्रिमिनल्स निकलते हैं उन सबके साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाता है, जैसे जोधपुर का रेप मर्डर और लूट का केस। साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? आप सोचिए, मैं अगर इतना बड़ा क्रिमिनल होता तो पूरे दिन 12-12 घंटे इस दुकान पे क्यों खड़ा रहता साहब? ये सिम किसको बेचा तूने? याद नहीं है, इन लोग आते हैं सिम कार्ड ले जाते हैं साहब। तो जो सिम बेचता है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखता? नो डॉक्यूमेंट्स, नथिंग? साहब लोग मजबूरी में भाग दौड़ में आते हैं साहब, अब डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो मैं कोई भी अपना सिम कार्ड निकाल के उनको दे देता हूँ साहब। बहुत बड़ा दानवीर कर्ण है ना तू, समाज सेवा करने की बड़ा शौक है ना तुझे, अब तेरी थोड़ी सेवा हम करेंगे। सरकारी मेहमान बनाकर लॉकअप में रख, नो पेपर वर्क, नो वारंट। मेरा लोकल पुलिस को फोन करो और सरकारी मेहमान बनाओ। बॉर्डर सुप्रिंटी साफ नजर आ रही है, सस्पेक्ट्स ने सही जगह से बिना एड्रेस और डॉक्यूमेंट्स के सिम कार्ड दिया और ओमकार को फोन करने के लिए टैक्सी ड्राइवर हरीश का फोन यूज किया। मेहरा, हम सस्पेक्ट्स के बहुत करीब घूम रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई
लीड नहीं सर, एक पॉसिबिलिटी है, हम इस नंबर 444-879-899 के रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं जो उन दो चोरों में से एक ने यूज किया था। शायद उसने अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को फोन किया, अगर वो हाथ नहीं लग रहा तो उसके दोस्त या रिश्तेदार को उठा लेते हैं, खुद ब खुद बिल से बाहर निकलेंगे। खंगालो कॉल रिकॉर्ड्स, देखते हैं कौन सा पिटारा खुलता है। इस केस में पुलिस के पास मुजरिमों का टेलीफोन नंबर था जिसका इस्तेमाल इस जुर्म में किया गया था, लेकिन फिर भी क्रिमिनल्स की शातिर बुद्धि ने पुलिस को अचरज में डाल दिया था। लेकिन मुजरिम एक बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी पीठ पीछे उनका साया बिना बोले उनके पैरों के निशान छोड़ता जा रहा था, और ये निशान पुलिस को क्रिमिनल मकसद तक ले जाने वाले थे, जैसा कि हर जुर्म में होता है और इस केस में भी हुआ। आरती दामोर, कौन है आरती? सर 2 जनवरी को जोधपुर के बाहर से जोधपुर में हमारे सस्पेक्ट ने आरती दामोर को फोन किया था, ये इसका कंफर्म्ड एड्रेस है, इसका नंबर भी एक्टिव भी है, जोधपुर हाईकोर्ट में जूनियर एडवोकेट है ये आरती। आरती दामोर जी, मैं ही हूँ एडवोकेट आरती दामोर। 444-879-899 ये किसका नंबर है? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आरती जी, हमने आपके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, 2 जनवरी को आपको जोधपुर के बाहरी इलाके से इस नंबर 444-879-899 इस नंबर से एक फोन आया था। अभिषेक, ये कॉल तूने किया था ना? हाँ, 2 जनवरी को कॉल करके तूने कहा था ना कि तू यहाँ आ रहा है इसी नंबर से। अभिषेक, तुम अजमेर में रहते हो? जी सर, हम दोनों ही अजमेर को बिलोंग करते हैं, हमारे मम्मी पापा वहीं रहते हैं। लेकिन सर, आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आरती जी, 5 जनवरी को जोधपुर में कत्ल हुआ, सिर्फ कत्ल ही नहीं रेप और लूटपाट भी हुई, तुम्हारे साथ और कौन था? तुम्हारा दूसरा साथी कौन था? अभिषेक, ये क्या कह रहे है? कुछ किया है तूने? यही था सर, इसने मेरे गर्दन पे चाकू रखा था सर, इसका एक साथीदार भी है सर। कौन था उस दिन तेरा पार्टनर? कौन था? क्या कब हुआ ये? 10 मिनट पहले जोधपुर पुलिस घर आई थी, तेरे भाई शरद को पकड़ के लेके गई है, और बेटा वो लोग कह रहे थे तेरी सास के मर्डर में तेरे भाई का हाथ है। क्या बात है बेटा, किसका फोन था? कुछ नहीं पापा, मैं अभी आती हूँ। छोरे, अकेले अकेले कश मार रहे हो? सबूत इतनी आसानी से नहीं पूछते, अब ये जाएगा सीधा तेरे बापू के हाथ। प्लीज यार अभिषेक, प्लीज किसी को मत बताना यार, प्लीज। क्या नहीं बताऊं? कि अपना होनार बालक शरद असल में एक छुपा रुस्तम है। एक बात बताऊं, तेरे नाम के ना ताने बहुत सुने, अब जब ये तेरे बापू के हाथ में जाएगी ना, तुझे तकलीफ में देख के मजा बड़ा आएगा यार। अभिषेक, किसी को मत बताना यार। देख, तेरे को ताने पड़े तो उसमें मेरी क्या गलती थी?
मैंने सामने से तो कुछ नहीं कहना तुझे, प्लीज किसी को मत बताना यार, प्लीज। चल नहीं बताता, एक और सुट्टा है निकाल। बच्चा है क्या, इसको थोड़ा सजा के पी समझा, ये यूं पकड़ेंगे, अरे यहां से ऐसे, और इसको कुमार अवस्था, टीनेज की ज्वालामुखी अक्सर नशे के भवंडर में जाकर शांत होने की चेष्टा करती है, पर नशा लावा को और उबालता है। शरद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसके केस में अभिषेक की संगत उसे नशीले एक्सपेरिमेंट्स की विस्फोटक राह पर ले आई, और इस राह की आखिरी मंजिल थी जुर्म का नशा, कत्ल और लूट का खुमार। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने का मकसद क्या था, सिर्फ नशे की ना बुझने वाली प्यास या कुछ और? सर, शरद ऐसा कर ही नहीं सकता, भाई है वो मेरा, और क्यों मारेगा वो मेरी सास को? सर, मेरा भाई भी ऐसा नहीं कर सकता, आप लोगों को जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आप दोनों के भाइयों से जम के पूछताछ की जा रही है, जल्द ही पता चल जाएगा कि कत्ल क्यों हुआ और कैसे हुआ, और ये भी पता चलेगा कि किसने करवाया। ये कत्ल कहीं आपने तो नहीं कराया प्रीति जी? कहानी सुना के मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम्हारी ये नशे की कहानी मेरे लिए नई नहीं है, बहुत बार सुनी है मैंने, मैं जो सुनना चाहता हूं वो बताओ, तुमने अपनी बहन की सास का कत्ल क्यों किया, किसके कहने पर किया, तुम्हारी बहन के? नहीं नहीं सर, दीदी ने सामने से कुछ नहीं कहा था। फिर किसने कहा था? मैं खुद बदला लेना चाहता था सर। बदला तुम्हारी बहन की सास से? क्यों, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? सर, उसने मेरी बहन की पूरी जिंदगी बिगाड़ कर रख दी थी। प्रीति, तुम्हारे पापा जी का खाने का डब्बा तैयार है कि नहीं? जी माँ जी, खाना तैयार है, बस डब्बा भेजना है। और ये क्या है, दूसरी बार चाय चढ़ाई है शरद के लिए, वो भी खाने के टाइम? अब अपने भाई की खातिरदारी की वजह से घर के बाकी सारे काम भुला दोगी क्या? माँ जी, मैं वो बस खाना तैयार ही था बस। प्रीति, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करती रहो। मुझे बहुत बुरा लगता था जिस तरह मेरी बहन से बात की जाती थी, छोटी छोटी बातों पर ताने सुनाए जाते थे। 8 महीने हो गए थे दीदी की शादी को, सिर्फ 2 दिन आया था उनके साथ रहने के लिए, और उन दो दिनों में ना जाने क्या क्या सुनाया मेरी बहन को। अरे, चाय नहीं पीने तूने? वो तुमसे इतनी गंदी तरह से बात क्यों करती, तुम खुश तो हो ना यार? मम्मी जी, वो कभी कभी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती, वैसे बहुत प्यार करती है मुझसे, सच कह रही हूँ। दीदी बहुत दुखी थी पर वो बता नहीं रही थी, अंदर ही अंदर टूटी जा रही थी वो। तो इसलिए तुमने अपनी बहन की सास को मार डाला, अपने इस दोस्त अभिषेक के साथ मिलकर। तुमने तो ये सब सिर्फ अपनी बहन की तकलीफों को दूर करने के लिए किया ना, फिर 10 लाख रुपए क्यों लूटे, वो ज्वेलरी, वो रेप, अपने जुर्म पर अपनी बहन की तकलीफों का पर्दा मत डालो, काम नहीं आएगा। नहीं नहीं सर, मैं पर्दा नहीं डाल रहा हूँ सर, सर वो औरत बहुत बुरी औरत थी सर, बहुत ही बुरी औरत थी वो। क्या कहा उसने? बदला लिया उसने, उसका कहना है कि आपकी सास ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। बिल्कुल झूठ है, मेरी सास, उन्होंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया। मैं मानती हूँ सर, वो कभी कभी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती थी, वैसे भी मैं और मेरे पति गाजियाबाद में रहते हैं पिछले 1 साल से, साल में बस एक आधी बार उनसे मिलना होता था। शरद ऐसा क्यों कह रहा है मैं बिल्कुल नहीं जानती सर, अब पता चला मुझे क्यों तुम मम्मी जी की मौत के बाद मुझे बार बार फोन कर रहे थे, ये पता करने की कोशिश कर रहा था ना कि पुलिस को क्या पता चला अब तक। हाँ, तू मर तो कहीं जाके, क्या कर दिया तूने शरद, अपने दोस्त के साथ मिलके जानवर से भी बदतर पेश आया है तू, और अब इस सब का जिम्मा तू मेरे सर डालने की कोशिश कर रहा है, तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता, एक खूनी है तू, तुझ जैसा भाई ना
भगवान इस दुनिया में किसी को भी ना दे। बेटिया, मेरी बात ध्यान से सुन। दुनिया इधर से उधर हो जाए तो अपने वाले एंगल से हटना मत, समझा? कोर्ट में भी यही बोलना कि बहन की वजह से किया है। यही एक रास्ता है, तू और मैं दोनों बच सकते हैं, समझा? लोगों को हम पे तरस आएगा, हम दोनों बच जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। अपना असली मकसद किसी को नहीं पता चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। नहीं पापा, सरासर झूठ बोल रहा है शरद। उसने जो कुछ भी किया है सब अपनी लालच में किया है, और अब इस सब का जिम्मा मेरे सर थोपने की कोशिश कर रहा है वो। पापा, मुझे तो शर्म आती है उसे अपना भाई कहते हुए। पापा जी, मम्मी जी ने कभी कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था। मैंने भी कभी किसी से कोई बात नहीं की, कोई शिकायत भी नहीं की मैंने। मुझे पता है। तुम दोनों ने ये जुर्म जिस मकसद के लिए भी किया है, ड्रग्स के लिए, पैसे के लिए, ये अपनी बहन की तकलीफों को दूर करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सजा उतनी ही होनी, क्योंकि तुम लोगों ने ना सिर्फ कत्ल किया है, ना सिर्फ चोरी की है, बल्कि एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ रेप भी किया। नहीं नहीं सर, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, सर ये सब इसने किया सर, सर मैंने नमस्ते आंटी। आओ अंदर आओ। ऐसे अचानक चले आए, ना फोन ना कुछ, घर पे सब अच्छा है ना? जी आंटी, वो प्रीति दीदी बता रही थी कि आपको कोई कमरा किराए पर देना है। किसे चाहिए? ये दोस्त है मेरा अभिषेक, इसे और इसके एक दोस्त को चाहिए था, तो मैंने बोला अपना घर दिखा देता हूँ, अच्छे लोग हैं, मैं गारंटी लेता हूँ आंटी। अब जब तुमने कह दिया है कि अच्छे लोग हैं तो अच्छे ही होंगे ना। आओ चलकर पहले कमरा देख लो, फिर साथ में मिलकर खाना खाएंगे। सर ये झूठ बोल रहा है, सर सरासर झूठ बोल रहा है। जो जो मैंने किया ना इसने भी किया। सर सर मैं किसी की भी कसम खा के कह सकता हूँ सर, सर मैंने आंटी के साथ कोई गंदा काम नहीं किया था, सर इसने किया था। इस कमरे में पिछले एक साल से दो और कॉलेज स्टूडेंट रह रहे हैं, इसमें टॉयलेट और बाथरूम साथ ही में जुड़े हुए हैं। खाना और नाश्ता तुम दोनों चाहो तो हमारे साथ ही खा सकते हो। ये तो फितरत से ही झूठा है सर, अपनी बहन का बदले बदले का बहाना कर रहा है सर। इसकी बहन के साथ कुछ नहीं होता था सर, ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी भक्के जा रहा है। इतने जल्दी फूट पड़ गए दोनों, खुद को बचाने के लिए सारा दोष एक दूसरे पे मढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, इससे अदालत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए बेहतर यही होगा कि सच सच बता दो कि क्या प्लानिंग थी, ये सब क्यों हुआ और कैसे हो। सर सारी प्लानिंग इस अभिषेक की थी सर, सर इसी ने मुझे आइडिया दिया कि प्रीति दीदी का बहाना बनाते, लोग तरस खाएंगे हम पर, दुनिया को लगेगा कि बहन पर अत्याचार हो रहा था इसलिए भाई ने बदला लिया, सहानुभूति मिलेगी हमें। सर ये खुद चल के आया था मेरे पास। इतनी मोटी थप्पी थी, रोकड़ा, सोने के जेवर और शायद हीरा भी था। 8-10 लाख तो होंगे ही आराम से। दस लाख? अबे 10 लाख
बहुत होते हैं भाई, हाथ आ गए ना तो ऐश ही ऐश। ये जो हम चवन्नी की चोरियां करते हैं ना चरस और शराब के लिए, आगे से करनी नहीं पड़ेगी। मारते हैं बड़ा हाथ। हाँ मारते हैं। देख पैसे का पैसा और बदले का बदला। बदला? तेरी बहन? अरे मेरी बहन की पूरी जिंदगी बिगाड़ के रख दी उसने। एक कप एक्स्ट्रा चाय के बना ली थी मेरे लिए, ऐसे सुनाने लगी जैसे। लेकिन वो तो एक साल पहले की बात है ना। जख्म शराब की तरह होते हैं, जितना पुराना उतने ही गहरे होते जाते। यकीन कीजिए मेरा सर, सर मेरे मन में पैसे के लालच से ज्यादा बदले वाली बात घूम रही थी सर। झूठ सर, सर ये झूठ है सर। बदले बदले की बात ऐसे ही है। उस औरत को मार देना, उसको लूटना, ये दोनों प्लान इसी का था। दोनों का था सर। सर शुरुआत इसने की थी सर, कसम से सर। ये लो पानी। तुम लोग आराम से बैठो, मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। रुको रुक, सामान तो लूटेंगे, यहाँ आके बोनस नहीं चाहिए क्या? बोनस मतलब? बोनस मतलब समझा, पहले मज्जे तो लूट ले, बाद में सामान लूटेंगे। सिर्फ इसने किया था सर, मैं तो देख भी नहीं रहा था। झूठ बोल रहा है, मटर तूने किया था ना, तूने किया था। चुप, कुत्तों की तरह एक दूसरे पर भौंकना बंद करो। जब जेल में जाओगे ना बहुत वक्त मिलेगा, तब ये सोचना किसने, तब सोचना किसने क्या किया था और क्यों किया। टैक्सी ड्राइवर हरीश मकवाना की मनगढ़ंत कहानी हकीकत साबित हुई। उसे पूरी तरह निर्दोष पाया गया और उसे पीड़ित करार दिया गया जिसे आरोपियों ने लूटा था। अभिषेक की बहन एडवोकेट आरती दामोर पूरी तरह शॉक में है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भटका हुआ बदनाम भाई इस हद तक गिरेगा और एक खूनी और रेपिस्ट बन जाएगा। शरद के माता पिता को शरद से कई उम्मीदें थीं, पर वो अब जिंदगी भर के दर्द के साए में खो गए हैं। उनके बेटे ने ना सिर्फ एक हत्या कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, बल्कि उसने अपनी बहन की जिंदगी में भी तबाही मचा दी। सुहेल और मयंक अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके घर से निकलने के चंद मिनटों बाद उनकी मकान मालकिन प्रतिभा सतकरी का कत्ल कर दिया गया था। इस केस में सबसे ज्यादा दुख और दोषी फील कर रही है ओमकार सतकरी की बहू प्रीति सतकरी। उसके अपने भाई के कारण उसके पति और उसके ससुर को ऐसा घाव मिला था जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। पूरा सतकरी खानदान इस बात को लेकर घुटता रहेगा कि कातिल एक पहचान वाला था, घर का था। क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट्स को शरद कपाड़िया और अभिषेक दामोर के फिंगरप्रिंट से मैच किया गया है। चुराई गई सारी ज्वेलरी पुलिस ने उन दोनों से बरामद कर ली है। कैश थोड़ा दोनों ने खर्च कर दिया था लेकिन बाकी का रिकवर कर लिया गया है। शरद और अभिषेक को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 394 के तहत लूट के लिए बुक किया गया है।
साथ ही अभिषेक पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के चार्जेस भी लगाए गए हैं। पैसा, नशा, आवारागर्दी की लत और एक इजी लाइफ की आदत ने दोनों जवान लड़कों को अपनी जहरीली गिरफ्त में लपेट लिया था। उनके इस विकृत कांड ने पीछे छोड़ा है बिखरे हुए परिवारों को, जो दर्द और शर्म के घूंट पी पी कर घुट घुट कर जिएंगे, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों तक। उसके बाद शुरू होगी अफरा तफरी दोनों लड़कों को बचाने की, उनकी सजा कम करवाने की। आखिरकार खून खून होता है। हर कोई अपने क्रिमिनल बच्चों को, भाइयों को भटका हुआ या हालात के पीड़ित मानना पसंद करता है। अदालत में दलीलें दी जाएंगी उनकी नाजुक उम्र को लेकर, वादे किए जाएंगे पश्चाताप के, हृदय परिवर्तन के, अफसोस के, और आखिरकार इन बेरहम कातिलों के माता पिता कानून से उनके प्राणों के लिए रहम मांगेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर केसेस में जहां टीनेजर्स और युवा भटक जाते हैं, उन्हें सामान्य जिंदगी में वापस लाना, सही रास्ते पर लाना, परिवार, समाज और प्रशासन, इन सभी के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। लेकिन हम इस पहाड़ को बीच चढ़ाव पर नहीं छोड़ सकते। ये ऑप्शनल नहीं है, ये इंसानी जिंदगी और मानवता दोनों के अस्तित्व की बात है। कितनी सुंदर है वो, देखते ही आंखें चिपक जाती हैं उस पर। मुझ पर जादू सा कर दिया है उसने। रोज ख्वाबों में आती है, अपनी अदाओं से बहकाती है मुझे, छेड़ती है मुझे। उसके छूने में, उसकी हंसी में एक इशारा है, कुछ कह रही है वो, मुझे बुला रही है। आग दोनों तरफ बराबर लगी है। किसी का मन किसी के लिए मचल रहा था, आकर्षण की पट्टी आंखों पर चढ़ गई थी। कुछ गलत था, कुछ गलत होने जा रहा था। आकर्षण की इस बेकाबू आंधी की दस्तक किसी ने सुनी थी। जो होने जा रहा था उसे रोका जा सकता था। कितनी सुंदर है वो, देखते ही आंखें चिपक जाती हैं उस पर। कौन बोल रहा है? लता। कविता जी क्या हुआ? कविता जी, हर्ष कहाँ है? लता, और कितना टाइम लगेगा? देर हो रही है दुकान जाने में। आई, बस हो गया। ये लीजिए, मैं आपका टिफिन। थैंक यू। और आपको याद है ना, 4 बजे घर आना है। अरे हाँ हाँ, और तुम्हें और हर्ष को लेकर शॉपिंग के लिए जाना है। मम्मा सुबह से 4 बार बता चुकी है, और कितनी बार बताओगी लता? अगर पिछली बार की तरह कोई भी बहाना मारा और फोन करके मुझे ये बोला कि लता मुझे देर हो गई है, मुझे काम है वगैरह वगैरह, तो अगले दिन आपके टिफिन में 4 गुना ज्यादा मिर्च और पड़ जाएगी। और बाप रे, मम्मा ने कितनी तीखी धमकी दे दी। अब हमारी क्या मजाल की कोई बहाना बनाए है? ठीक है, अब मैं बहाना बना ही नहीं सकता। 4 बजे से पहले घर वापस आ जाऊंगा महारानी सा, ठीक है? ये देखिए भाभी जी, ये लेटेस्ट डिजाइन है, मार्केट में और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, देखिए ये। अच्छा ठीक है, वो ग्रीन वाली साड़ी मैंने देखा लो ने। आम ना बताओ जो कौन सी ये। हाँ भाभी जी, आपकी चॉइस कमाल की है। इसके बाद में यही साड़ी दिखाने वाला था आपको। ये अभी माला है, ये जॉर्जेट का मटेरियल है, और ये जो पट्टी है गोल्डन लेस पट्टी बोलते हैं इसको। भाभी जी पानी। अच्छा भाभी जी, क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी या फिर ठंडा? बस कहीं नहीं। बस कहीं नहीं नहीं मिलता है इधर भाभी जी। अच्छा प्रकाश, 2 मौसम भी बोल देना। जी सेठ जी। हाँ लता। आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए फोन किया था। अरे याद है बाबा, याद है। 4 बजे शॉपिंग, 6 बजे पार्क, और फिर होटल में खाना, सब याद है मुझे। अब काम करूं, बाय। रोज इसी टाइम पे बालकनी में आती है, जानती जो है कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। सुंदर भी है और होशियार भी। नजर मिलाती नहीं पर नजर रखती है।
ये बिट्टू मम्मा के लिए बाइट। गुड बॉय। ये किसके लिए? पापा के लिए। प्रकाश आज मैं दुकान से जल्दी जाऊंगा, वो लता को जरा शॉपिंग के नाम लिया और फोन आ गया। 100 साल जिएंगी भाभी। लता खाना तो चैन से खाने थे। हाँ मुझे याद है 4 बजे आना है। बस याद दिलाना चाहती थी, कहीं आप भूल तो नहीं गए? अरे याद है बाबा याद है। अब तू थोड़ा सा आराम कर ले और मुझे काम करने दे। फोन रखूं? ठीक है। अरे प्रकाश आज दिलीप नहीं है? हाँ उससे किसी दोस्त की माँ बीमार है इसलिए उसने छुट्टी ले ली। तू अकेला दुकान संभालेगा ना? आप बेफिक्र रहिए सेठ जी, मैं संभाल लूंगा। चंदा है तू मेरा सूरज है तू और मेरी आँखों का तारा है तू। लता सुबह से 3 बार अपने पति अरविंद को याद दिला चुकी थी कि आज 4 बजे उन्हें शॉपिंग के लिए जाना है। 3:30 बजे अरविंद को फिर से लता के मोबाइल से कॉल आया। अरविंद को लगा कि ये उसके लिए फाइनल रिमाइंडर कॉल है, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो अरविंद पर एक कहर सा टूट गया। प्रकाश मैं निकल रहा हूँ, जरा संभाल लेना। जी सेठ जी। हाँ लता बस निकल ही रहा हूँ दुकान से। अच्छा सीधा गाड़ी में बैठा और घर पहुंच। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है जान के क्या करेगा तू, जल्दी घर पहुंच और हाँ 2 लाख रुपए का इंतजाम करते हुए आना। तेरा बेटा भी तो तकलीफ में नहीं है, पर अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो तेरा बेटा बहुत जल्दी तकलीफ में आ जाएगा। कौन बोल रहा है, क्यों मजाक कर रहे हो भाई? सीधा घर पहुंच सब पता चल जाएगा, मजाक है हकीकत। तेरी बीवी तेरे घर पे बेहोश पड़ी है, अगर जल्दी पहुंचा तो बचा पाएगा। बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे। अरविंद भाई बोलिए। कविता जी आप जल्दी से मेरे घर जाइए और देखिए सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ पर। क्या हुआ अरविंद भाई? मैं बाद में बताता हूँ, आप जल्दी से घर जाइए। ठीक है मैं जाकर देखती हूँ। मैं फोन चालू रखता हूँ, आप जल्दी से घर जाइए। अरविंद भाई आपके घर का दरवाजा तो खुला है। कविता जी आप जल्दी से अंदर जाइए और देखिए लता और हर्ष ठीक है ना, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ वहाँ पर। मैं दरवाजे के पास ही अरविंद भाई, पर यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है। डरिए मत कविता जी, आप अंदर जाइए, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। शायद लता बेहोश हो गई है और उसे आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है मैं अंदर जाकर देखती हूँ। लता 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 कविता जी, कविता जी क्या हुआ? लता ठीक तो है ना? कविता जी आप सुन रही हैं? कविता जी हेलो। हेलो हेलो कविता जी सुन रही हैं आप? अरविंद भाई लता लता यहाँ जमीन पर पड़ी है खून से लथपथ। क्या कविता जी हर्ष कहाँ है? हर्ष कहाँ है? हर्ष मैं बात करता हूँ। अरविंद शंकर बोल रहा हूँ, तू जल्दी आ जा, वो लता के साथ बहुत बुरा हुआ है। अरे लेकिन हुआ क्या ये तो बताइए। उसकी सांस नहीं चल रही है, शायद मर गई है वो। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? I'm sorry अरविंद, उसकी सांस नहीं चल रही है, खून बहुत बहा है और पूरे घर में मैंने देखा हर्ष कहीं नहीं है। तू जल्दी आ जा अरविंद। हाँ
30 साल की लता अग्रवाल अपने घर में मरी हुई पाई गई और उसका 3 साल का बेटा हर्ष घर से गायब था। इस अपराध का बीज एक इंसान के दिमाग में कई दिनों से पनप रहा था और कोई दूसरा इस बात से वाकिफ था, लेकिन उसने जुर्म की दस्तक को नजरअंदाज किया। आखिर कौन था इस हत्या और अपहरण को अंजाम देने वाला, और कौन था जिसे उसके इरादों का अंदेशा था? कौन दाखिल हुआ था लता के घर में? क्या हुआ था उस दोपहर? और कहां और किस हाल में है 3 साल का मासूम हर्ष? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।